Hello students, myself Rahul Trivedi, welcome in my YouTube channel Rahul Sir Bio. एक बार फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में जेनेटिक्स के अंतर्गत. आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए पैकेजिंग की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज डीएनए पैकेजिंग. वास्तव में ये डीएनए पैकेजिंग है क्या? डीएनए को कहां पे पैक किया जा रहा भाई? पहले ये तो समझना कि डीएनए को हम पैक कहां पे कर रहे हैं और डीएनए को क्यों पैक कर रहे हैं. देखो, सबको एक बात तो पता है कि कोई भी जो लिविंग्स होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी लिविंग है, इस लिविंग में सेल होती है. क्योंकि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंस होता है. तो डीएनए पैकेजिंग का मतलब है कि इस डीएनए को किस प्रकार से न्यूक्लियस में पैक किया जाता है. पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि डीएनए पैक कहां किया जाएगा, न्यूक्लियस के इनसाइड. अब यार क्यों पैक कर रहे हैं इसको, पैकिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्यों पैक कर रहे? अगर हम यहां पर एक लाइन देखो लिखी हुई है कि लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स इस 2.2 मीटर. दूसरी तरफ लाइन लिखी हुई है कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सेल्स इज अप्रोक्स 10^-6 मिलीमाइक्रोन. अब ये तो बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा साइज है, जबकि इस डीएनए को रखना हमें कहा है, न्यूक्लियस में ही रखना है. तो इस इतने बड़े डीएनए को हम इस न्यूक्लियस में कैसे रखें, इसलिए हमें डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता होती है. हैप्लॉयड मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक, इसी प्रकार अगर हम देखें तो ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, इसका सेल साइज होता है 1 मिली माइक्रॉन और इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो होता है 1.36 mm. अगेन दिस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ सेल्स. एक बार फिर से ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको हम इसके अंदर कैसे रखें. तो अभी पर बेटा हमने बात की केवल दो बातें की कि डीएनए पैकेजिंग क्या है और डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता हमें क्यों होती है. क्योंकि एक लंबा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में उपस्थित होता है तो कैसे उपस्थित होता है, अर्थात वो अपनी पैकेजिंग स्टेज में प्रेजेंस होता है. अब देखो यहां पर एक बात और करें, लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल 6.6 × 10^9 × 0.34 × 10^-9. अब ये क्या यहां पर लिख दिया गया, देखो तो ये होते हैं बेस पेयर, ये है बेस पेयर. बेस पेयर का मतलब नाइट्रोजनस बेस पेयर. ये क्या है, दो न्यूक्लियो बेस के बीच की डिस्टेंस होती है. जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारे नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस. अब पेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर एक जैसे टी लिखा है तो इधर यहां पर सी लिखा हुआ है,
तो पेयर फॉर्म में होते, इसलिए ये बेस पेयर हो गए। अब डिस्टेंस जो 3.4 लिखा हुआ है या 0.34 लिखा हुआ है, एक बेस पेयर सपोज करो एडिनिन ग्वानिन, एक बेस पेयर एक इधर का एक उधर का, यहां पर लिखा हुआ है टी कर। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ए टी और जी सी, तो दो बेस पेयर के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 0.34 इंटू 10 to power -9। तो अगर हमें टोटल डीएनए की लेंथ निकालनी है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमें मिल जाएगा 2.2 मीटर लेंथ। इसी प्रकार मैंने ई कोलाई की लेंथ को, डीएनए की लेंथ को मेजराइज किया। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बात करते हैं, क्योंकि डीएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में होता है, तो दोनों में जो पैकेजिंग है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कारण क्या है? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होती है उसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यहां डेफिनेट न्यूक्लियस से क्या मतलब है? यहां डेफिनेट न्यूक्लियस से मतलब है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल यूकैरियोट्स में पाई जाती, इसलिए वहां पर डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। अब जब प्रोकैरियोट में डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, नो डेफिनेट या डिफाइंड न्यूक्लियस फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, फाउंड इन सुपर क्वाइल्ड स्पेस। सुपर क्वाइल्ड स्पेस का मतलब यह है, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं कि एक ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल के अंदर इस प्रकार से ये डीएनए ऐसे यहां पर प्रेजेंस होता है, इसका सुपर क्वाइल्ड डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेकिन ये धागे जैसे रचना में जो डीएनए आपको दिख रहा है ये इस तरीके से नहीं है, इसके बीच बीच में जैसे डीएनए जो होता है बेटा ये हमेशा कैसा है, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो ये हमेशा बेसिक प्रोटीन पॉलीएमीन्स के साथ इस प्रकार से क्वाइल्ड स्टेज में पाया जाता है, एस सुपर क्वाइल्ड स्टेज में इस तरीके से प्रेजेंस होता है। और इस पैकेज्ड डीएनए को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, यानी प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, नो डिफाइंड न्यूक्लियस फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, पता चल गया आपको, क्योंकि यहां पर जो डीएनए है वो या न्यूक्लियस यहां पर जो है जीनोफोर जो है या यहां पर जो हमारा न्यूक्लियोइड है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए नो डिफाइंड न्यूक्लियस फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, फाउंड इन सुपर क्वाइल स्टेज। ये आप देख सकते हो सुपर क्वाइल स्टेज, क्वाइल्ड आर मेंटेन्ड बाय नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन पॉली एमीन्स। यहां पर ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाया गया ये बेटा है पॉली एमीन्स, और ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है, तभी इस नेगेटिव चार्ज डीएनए के साथ क्या होगी, पैक होगी। तो अब हम बात करेंगे किसकी, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। अब बेटा बात करते हैं कि डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, ज्यादातर क्वेश्चन आपके नीट में इस जगह से आते हैं, तो वीडियो को अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप देखेंगे। तो सबसे पहली बात की यूकैरियोट्स में डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, डिफाइंड न्यूक्लियस फाउंड इन यूकैरियोट्स मींस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर जो डीएनए होता है वो एक विशिष्ट प्रकार की स्पेशल प्रोटीन होती है, और उस स्पेशल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टोन कहते। आइए हिस्टोन पर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात,
अगर हम स्टोन की बात करते हैं तो हिस्टोन एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। अब चूंकि यह प्रोटीन है इसलिए इसमें अमाइनो एसिड भी होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हिस्टोन किस प्रकार के अमाइनो एसिड से बना होता है। तो हिस्टोन ऑलवेज रिच विद आर्जिनिन एंड लाइसिन मेड अप ऑफ आर्जिनाइन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड। अब चार्ज की बात हो गई, नेचर की अगर बात करें तो इसका बेसिक प्रोटीन पहला क्वेश्चन, चार्ज कैसा होता है स्टोन का, पॉजिटिव चार्ज है, किस प्रकार के अमाइनो एसिड से बनी होती है, तो आर्जिनिन एंड लाइसिन से बना होता है, और इस पर इसका नेचर कैसा है, बेसिक प्रोटीन है एक प्रकार की। अब जैसे पूछा जाता है कई बार टाइप ऑफ हिस्टोन, टाइप ऑफ हिस्टोन की अगर हम बात करें तो किसी भी हिस्टोन में जो टाइप है वो टोटल टाइप होता है फाइव टाइप। कौन कौन से, H1 H2 H3, इसके अलावा H2A और H2B, H2A एंड H2B। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इस प्रकार 5 प्रकार की हिस्टोन पाई जाती है। कई कई पर आप पढ़ते हो कि हिस्टोन ऑक्टामर। अब पहले हम ये समझ लें कि हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, फिर हम पैकेजिंग के बारे में आपसे बात करते हैं। अब जैसे यहां पर 1, 2 ऐसे बना लिया, फिर यहां पर आपको ऐसे बना लेना है, 4 बन गए और एक एक इनके ऊपर पाया जाता है ऐसे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जहां पर H2A और H2B दो बार होते हैं, बाकी सब ये सिंगल टाइम होते हैं। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। यहां पर आप पूरी बात को समझ सकते हैं, कई बार आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, ऐसे ये ऐसे भी बना होता है ऐसे, H2A, H2A, H2B, H2B, और यहां पर इस प्रकार से ऐसे H3, H4 और H2। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोनों तरीके से आप जैसे समझ पाए ऐसे भी समझ सकते हैं, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो अब टाइप भी समझ में आ गया हिस्टोन का सारा, इधर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए आपको, और हिस्टोन ऑक्टामर भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यानी हिस्टोन की 8 यूनिट मिलकर के एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि डीएनए किस प्रकार से इसके चारों तरफ पैक होता है। अब देखिए यहां पर आपने देखा भी कि डीएनए, मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन के चारों तरफ, नेगेटिवली चार्ज डीएनए अरेंज होता है इस तरीके से। आप देख सकते हो ये हमारा डीएनए है और ये हमारा हिस्टोन है। हिस्टोन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज।
प्रकार जब एक हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए सराउंड करता है तो ये एक यूनिट बनी। इस यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अभी तक हमने कहीं भी H1 की बात नहीं की, हमने उधर ऑक्टोमर समझाया भी आपको, वहां H2A, H2B, H3, H4 की बात की थी। H1 जो होता है वो इस प्रकार ऐसे यहां पे प्रेजेंस होता है, इस द H1, और इसका काम होता है कि जो डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ सराउंड करता है उसको ये टाइटली पैक करता है। ये H1 का काम है। अब मतलब एक तरह से जो H1 है ये लॉकिंग ऑफ डीएनए विद हिस्टोन, डीएनए को हिस्टोन के साथ लॉक करने का काम करता है। अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कितने टाइम यहां पर डीएनए हिस्टोन, एक हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए कितना सराउंड होता है। तो यहां पर डीएनए सराउंड बेब हिस्टोन कितना, 1.3 / 4 टर्म, एक सही 3/4 बार डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ घुमा होता है। फिर क्वेश्चन आता है यहां पर कि कितने बेस पेयर इसके चारों तरफ होते हैं, यानी जितना ये लिपटा हुआ है कितने में कितने बेस पेयर होते हैं। तो इसमें बेस पेयर इज अप्रोक्स 200, तो कोई एनसीईआरटी आपकी 200 लिखती है इसलिए आपको भी 200 ही यहां पर एग्जाम टाइम में याद रखना पड़ेगा। अभी क्या सही है क्या गलत की बात नहीं, आंसर यही सही माना जाएगा क्योंकि यही आंसर सही। न्यूक्लियोसोम का साइज कितना होता है, इस पूरे न्यूक्लियोसोम का जो साइज है बेटा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो 110 × 60 एंगस्ट्रॉम। हिस्टोन ऑक्टोमर को और क्या कहते हैं, तो कई बार हिस्टोन ऑक्टोमर को या न्यूक्लियोसोम को हम न्यू बॉडी भी कहते हैं, न्यू बॉडी। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो सारे क्वेश्चन यहां पर मैंने करा दिए, एक क्वेश्चन यहां पर बच रहा लिंकर। लिंकर क्या है, अब जैसे यहां पर ये इस तरीके से ये ऐसे आपस में जुड़ते चले जाते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो न्यूक्लियोसोम के बीच, एक न्यूक्लियोसोम ये है, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी यूनिट, तो दो न्यूक्लियोसोम यूनिट के बीच का जो डीएनए होता है ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से बनाता हूं, इतना जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ता है इसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए। अब हम आपको फाइनली समझाएंगे कि किस प्रकार से डीएनए पैक होकर के क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम बनाता है। देखिए फाइनल इस डायग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पैक होता है, सबमिट होता है, रखा होता है किस प्रकार से। तो सारी बातें इसी में इस चित्र के साथ आपकी रिवाइज करा दूं जितनी मैंने पहले पढ़ाई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह हमारा डीएनए है और डीएनए की जो चौड़ाई होती है वो होती है 2NA, और जैसे ही ये डीएनए चारों तरफ, मैंने अभी बताया था हिस्टोन के चारों तरफ रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, तो जब हिस्टोन के चारों तरफ ये चिपक जाता है तो इसकी प्रत्येक यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसका जो डायमीटर होता है चौड़ाई होती 10 NM हो जाती। अब
कई सारे न्यूक्लियोसोम जब एक साथ फिर से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं तो बनाते हैं ये सोलेनोइड। न्यूक्लियोसोम जब डीएनए और हिस्टोन जुड़ा तो न्यूक्लियोसोम बना, लेकिन जब न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम के साथ आपस में फोल्ड होते हैं तो बनता है सोलेनोइड। और सोलेनोइड का डायमीटर है यहां पर 30 nm। इसी प्रकार जब सोलेनोइड एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं तो बनता है सुपर सोलेनोइड, और ये सुपर सोलेनोइड का जो डायमीटर होता है वो होता है 300 nm। अब सुपर सोलेनोइड फिर से एक दूसरे पर ऐसे फोल्ड होते चले जाते हैं, जैसे एक रस्सी होती फिर एक बार ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, फिर ऊपर से फिर उसको घुमा दीजिए, तो वो छोटा होता चला जाता है लेकिन थोड़ा सा थिकनेस बढ़ती चली जाती है। तो यहां पर जब सुपर सोलेनोइड बनता है तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता करीब 300 nm। अब इसके बाद जब सुपर सोलेनोइड कॉइल होता है तो बनता है क्रोमेटिक्स, जिसका है 700 nm डायमीटर। और आपको पता है कि दो क्रोमेटिक्स क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, तो प्रत्येक क्रोमोसोम यानी 700 इक्वल टू द क्रोमोसोम कितना हो गया, क्रोमोसोम 1400 nm इसकी चौड़ाई होती। तो इस प्रकार एक डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पैक होता है। समझ में आ गई बात पूरी? तो इस प्रकार अब यहां से जो भी क्वेश्चन होंगे निश्चित तौर पर आपके निकलेंगे।